हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और वीडियो में मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और कई दोस्तों के कई बार से और कई व्यूअर्स के जो है कई बार जो है एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहता था कि वो ब्रीडिंग किस में करें, या कॉलोनी ब्रीडिंग करें या वो इंडिविजुअल केजेस में जो है अपने बर्ड्स का ब्रीडिंग करें। और वो अक्सर जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रीडिंग या किस ब्रीडिंग के फायदे हैं और किस में जो है उनको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ब्रीडिंग जो है कॉलोनी ब्रीडिंग हो या इंडिविजुअल केज की ब्रीडिंग, दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं और केज ब्रीडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है कुछ ऐसे चीज़ों मतलब 4-5 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गाइस, जो इंडिविजुअल ब्रीडिंग होती है, इंडिविजुअल केज में जो ब्रीडिंग लेते हैं और जो कॉलोनी में लेते हैं, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो आप इससे समझ के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है अपने सेटअप में आप ब्रीड ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज होती है गाइस कि अगर आप कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो कॉलोनी में दोस्तों देखिए 90-95% आप बर्ड ले जाइए, उसमें छोड़ दीजिए। कम से कम 90-95% जो है पेयरिंग अपने आप हो जाती है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें डीएनए या उनका जेंडर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कभी कल 5% 2-4% जो है जोड़े गलत बन जाते हैं, वरना 95% जो गाइस उनकी पेयरिंग सही होती है और वो ब्रीड करते हैं। लेकिन गाइस रही बात, जब आप इंडिविजुअल केजेस में आप ब्रीड लेने चाहते हैं तो उनका जो है जेंडर कंफर्म करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है और बिना उसके कंफर्मेशन के आप उनके जोड़े बनाकर उनको नहीं रख सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है गाइस इंडिविजुअल केज में, अगर जब भी आप ब्रीडिंग करते हैं तो आपको उसका जो है जोड़े जो है कंफर्म जोड़े ही आप उसमें छोड़ेंगे ब्रीडिंग के लिए, नहीं तो आपका पूरा जो वो सीजन है बेकार हो जाता है। जो दूसरी चीज होती है गाइस, अगर आप जो है कॉलोनी में रखे हुए अपने बर्ड्स और कॉलोनी सेटअप है तो उसमें आपको कम समय देना होता है। आप गए, दाना पानी बदला, आपने अपने बर्ड्स को एक नजर देख लिया, साफ सफाई करनी है कर लिए, हो गया, तो ये थोड़ा कम समय लेता है। रही बात गाइस इंडिविजुअल केजेस में, तो आपको जो है हर केज में जो है आपको चेक करना होगा दाना पानी, साफ सफाई बर्ड की, तो ये थोड़ा समय लेता है। बट इसके अपने भी कुछ फायदे होंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो तीसरी चीज है गाइस देखिए, वो है डिसीज कंट्रोल, या जो बीमारी होती है कभी भी, तो अगर कोई भी बीमारी आपके सेटअप में फैली तो अगर आपकी कॉलोनी है और अगर आपने टाइमली उसके रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं किया गाइस, तो आपकी पूरी की पूरी कॉलोनी में जो है वो बीमारी फैल सकती है और आपके पूरा सेटअप जो है या आपकी सारी बर्ड्स खत्म हो सकती है। ये एक ड्रॉबैक है कॉलोनी सेटअप में गाइस। और वही अगर आपके आपके पूरा सेटअप इंडिविजुअल केजेस में है, आपकी सारी बर्ड्स जो है इंडिविजुअल केजेस में है, तो उस कंडीशन में गाइस होता है क्या है कि देखिए, अगर बीमारी है आपने पकड़ लिया तो इंडिविजुअल केज को आपने सेपरेट कर दिया, इंडिविजुअल जोड़े को सेपरेट करके उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है गाइस इंडिविजुअल सेटअप में। जो उसके बाद चौथी चीज है गाइस, वो है कि जो इंडिविजुअल केजेस होते हैं उसमें आप मनचाहा जैसे डिजायर्ड आउटपुट जो होते हैं ब्रीड, जैसे जो जोड़े आप डालेंगे और आप जो है अपने हिसाब से उसमें ब्रीड ले सकते हैं। जैसे कई लोगों को जो ऑफलाइन निकालना रहता है या किसी दो बर्ड का जो क्रॉस करके उनको तीसरा बर्ड निकालना रहता है, तो ये सब जितने होते गाइस ये इंडिविजुअल केजेस में ही सक्सेसफुल है और उसी में हो सकते हैं। अगर ये चीज आप ओपन कॉलोनी में करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन कॉलोनी में गाइस अपने मन मुताबिक बर्ड्स के जोड़े बनते हैं और अपने मन मुताबिक उसमें वो ब्रीड करते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल केजेस है तो आप जो है अपने हिसाब से बर्ड सेलेक्ट करके अपने हिसाब से उनकी पेयरिंग कर सकते हैं और अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते हैं। रही बात गाइस नेक्स्ट पॉइंट है गाइस की, जो ब्रीडिंग रेट होता है, मतलब जो ब्रीड ब्रीड करते हैं, तो अगर आपकी कॉलोनी है तो कॉलोनी में ब्रीडिंग रेट बहुत अच्छा होता है, उसमें ब्रीड भी बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और ब्रीड ज्यादा होती है। लेकिन वही बात रही जो इंडिविजुअल केजेस होते हैं गाइस, उसमें ब्रीडिंग रेट थोड़ा जो है कम होता है, क्योंकि गाइस देखिए, पहले आप उनको लाते हैं तो कई 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 बार होता है कि जोड़े नहीं भी बन पाते हैं, कई बार होता है कि जोड़े बनने में समय लगता है, तो उससे जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट वही कॉलोनी में क्योंकि छोड़े हुए हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जोड़े बनते जाते हैं और जैसे जोड़े बनते हैं तो ब्रीड पे चली जाती है बर्ड, तो उसमें एक फायदा होता है कि ब्रीडिंग रेट जो है कॉलोनी में ज्यादा होता है। रही बात गाइस मोर्टैलिटी की, तो जो इंडिविजुअल केजेस होते हैं उसमें मोर्टैलिटी बहुत कम होती है। कारण ये है कि गाइस उसमें जो है ज्यादा बर्ड में फाइट नहीं होता, किसी चीज का कॉम्पिटिशन नहीं होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना स्पेस है, उनके अपना नेस्ट है, अपने खाना पानी दाना हर चीज है, तो उसमें होता है इसकी देखिए फाइट नहीं होता है, बर्ड को किसी चीज का टेंशन नहीं रहता, कंपटीशन नहीं रहता है, तो ब्रीड भी अच्छा करते हैं, उसके बाद बच्चों की देखभाल भी अच्छे करते हैं, इसलिए मोर्टैलिटी कम होती है। वही गाइस रही बात कॉलोनी में, तो कॉलोनी में हर चीज की कंपटीशन होती है, बर्ड्स में आपस में लड़ाई केजेस के लिए, कभी जो है उनके नेस्टिंग बॉक्स के लिए, नेस्टिंग मटेरियल के लिए, दाना के लिए, पानी के लिए चिड़िया हमेशा लड़ती रहती है,
कभी मेल के लिए कभी फीमेल के लिए। तो ये इसके चलते होता क्या है, इसकी इसमें बच्चों की मोर्टैलिटी भी, और कई बार जो बच्चे मर जाते हैं उसमें जो चिड़िया मर जाती है, तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत कॉलोनी में होती रहती है गाइस, जो बर्ड फाइट होते हैं कॉलोनी में हो जाती है, तो ये समस्या रहती है गाइस। तो गाइस जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, तो इस हिसाब से आप अपने आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कॉलोनी ब्रीडिंग करानी है या इंडिविजुअल केजेस में ब्रीडिंग करानी है, क्योंकि ये जो एंड डिसीजन होता है गाइस ये आपका होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी बर्ड से ब्रीड कराएं। आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपको जो है कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं चाहिए, आपने बस शौकिया तौर पर रखा हुआ है, तो आप जो है कॉलोनी ब्रीड करा सकते हैं। नहीं आप जो है कोई मतलब वर्कआउट कर रहे हैं किसी खास नस्ल के ऊपर, या कोई इंडिविजुअल या कोई स्पेसिफिक अगर आप ब्रीड जो है उस पर काम कर रहे हैं, या कोई नई ब्रीड जो किसी बर्ड की नई म्यूटेशन या ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए गाइस ये जो है केज जो ब्रीडिंग होती है, केज में जो ब्रीड करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होता है। नहीं तो गाइस कॉलोनी ब्रीडिंग तो जो है, बाकी अगर आप नहीं ज्यादा समझते तो कॉलोनी ब्रीडिंग ही आपके लिए फायदेमंद है। होप गाइस ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।